हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूँ डिफेन गोगोई और आज हम बात करेंगे कॉपर पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड द मार्केट ट्रेंड एंड द मार्केट रेंज। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉपर डेली चार्ट और डेली पिवट पॉइंट है आज 456.9 और फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा आपका 458.6, सेकेंड रेजिस्टेंट 460.6 एंड थर्ड रेजिस्टेंट 462.3, फर्स्ट सपोर्ट 454.9, सेकेंड सपोर्ट 453.2 एंड थर्ड सपोर्ट 451.2। तो ये देख सकते हैं कॉपर एंड डेली चार्ट। तो डेली चार्ट एक पैटर्न फॉर्म करने के लिए जा रहा है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर भी मैं इसका पैटर्न क्या फॉर्म करने जा रहा है उसका ऊपर थोड़ा आपको बात कर दूं। तो आप देख सकते हैं कॉपर एक फॉर्म बन रहा है, ऐसा एक राउंड, राइट। उसका बाद तो यहां से एक मतलब मार्केट ऐसा एक रेंज बनाने ले रहा है। तो आप देख सकते हैं ये एक रेंज फॉर्म करने का चांसेस है। अगर ऐसा कोई एक रेंज बना दे तो इसको बोलते हैं आप कप एंड हैंडल पैटर्न। ओके, ये बोलता है कप एंड हैंडल पैटर्न। सो इसमें बाय किसे करना है, तो बाय करना है जो इसको ये जो पैटर्न फॉर्म होता है तो अपर ऊपर जाने के लिए जो पैटर्न होता है, तो जब इसका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, जैसे ये लाइन इधर रेंज ब्रेकआउट होता है ये पॉइंट में, आप देख सकते हैं ये पॉइंट में रेंज ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से हम बाय करना शुरू करेंगे, ये पोर्शन से हम बाय करना शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है ये फॉर्म होने ले रहा है, अगर ये होगा तो इसको कप एंड हैंडल फॉर्म बोला जाता है। तो ये है लॉन्ग पोजीशन के लिए, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे शॉर्ट पोजीशन में ये क्या फॉर्म कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जैसे है डेली, तो इसमें आप यहाँ पे देख सकता है ये जो डेली चार्ट है, तो फोर आवर में एक रेंज में आ रहा है ये मार्केट। तो आप देख, अगर हम देखें तो रेंज क्या है, फोर आवर अप ट्रेंड का ये रेंज में है। तो मार्केट देख सकते हैं ये रेंज में है फोर आवर में, तो ये रेंज का नीचे या मार्केट साइड वे होके ये रेंज का आसपास आना इसको चाहिए, तब तक ये 50 मूविंग एवरेज भी इसका पास आ जाएगा। तो उसका बाद हम देखेंगे 15 मिनट में इसका फॉर्म क्या हो रहा है। तो 15 मिनट में इसमें देख सकते हैं कल से पूरा मार्केट स्लिप है यहाँ पे, तो जो स्लिप मार्केट है उसका रेंज ये है, देख सकते हैं ये स्लिप मार्केट का रेंज। तो मुझे लगता है ये रेंज में थोड़ा देर कॉपर रहना चाहिए इसमें, तो यहाँ से नीचे आएगा फिर से यहाँ बाउंस बैक होगा, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं इसको मूविंग एवरेज जो रहता है 100-200 में है, तो ये रेजिस्टेंस बना रहेगा। तो यहाँ से अगर सेल सिग्नल मिल सकता है, अगर ऊपर गया तो सेल सिग्नल मिल सकता है, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।